हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है आरएम, आरएमडीआईआर, डीयू एंड डीएफ। तो दोस्तों, ये चार कमांड हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर चलता हूँ और यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आरएम कमांड जो है वो यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को डिलीट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ls करके देखता हूँ तो मेरी मशीन के अंदर कुछ फाइलें यहां पर बनी हुई है जो कि आपको ब्लैक कलर में शो हो रही है, जैसे कि जनक, राज एंड राजू। तो ये मान लीजिए मेरे पास में तीन फाइलें हैं जिन्हें मैं अपनी मशीन से रिमूव करना चाहता हूं। तो हम लोग आरएम कमांड कैसे यूज करते हैं वो देखिए जरा। तो आरएम टाइप कीजिए स्पेस फाइल नेम, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए यहां पर आपसे एक नोटिफिकेशन ले रहा है रिमूव रेगुलर एमपीटी फाइल जनक। आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि जनक फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं परमानेंटली। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहां पर वाई प्रेस करेंगे, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कि जनक फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए अगेन हम लोग ls कमांड यूज करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि जनक जो है वो रिमूव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप एक साथ मल्टीपल फाइल की रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि राज एंड राजू, तो rm स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखो, अब आपसे कंफर्मेशन ले रहा है डिलीट करने के लिए राज फाइल के लिए। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो वाई प्रेस कीजिए एंटर। अब आपसे कंफर्मेशन ले रहा है राजू फाइल के लिए, वाई प्रेस कीजिएगा कंफर्मेशन के लिए यस। तो जितनी भी फाइलें आप रिमूव करना चाहेंगे हर बार उसके लिए आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन ना ले, फोर्सफुली अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मेरे पास में फाइल अभी फिनिश हो चुकी है। मैं यहां पर टच स्पेस अगेन, मैं राजेश, राजू एंड राज के नाम से दोबारा से मैं ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं तीनों फाइल क्रिएट हो गई। अब दोस्तों, अगर आप फाइल्स को फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे कंफर्मेशन ना ली जाए, तो आप यहां पर आरएम स्पेस हाइफन एफ यूज करेंगे, एफ फोर्सफुली के लिए। तो राज एंड राजू देन राजेश टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए और देख सकते हैं दोस्तों आपसे यहां पर कंफर्मेशन नहीं ली गई है। और चाहे तो आप यहाँ पर ls कमांड के द्वारा देख सकते हैं कि आपकी फाइल्स जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं rmdir कमांड। दोस्तों, rmdir कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ls कमांड के द्वारा मैंने कुछ डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है प्री रजौरी के नाम से। अब अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो rmdir स्पेस प्रीत, यानी कि फाइल नेम सॉरी डायरेक्टरी नेम टाइप कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिए, और आप देख सकते हैं कि प्रीत नाम की जो डायरेक्टरी है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए ls कमांड यूज करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीत नाम की डायरेक्टरी अब आपको शो नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आप एक ही टाइम पर मल्टीपल डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी rmdir स्पेस डायरेक्टरी नेम स्पेस डायरेक्टरी नेम स्पेस डायरेक्टरी नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए, और अगेन आप देख सकते हैं आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए ls कमांड यूज करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी डायरेक्टरी जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कमांड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है du कमांड। दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर du कमांड स्पेशली यूज की जाती है किसी भी फाइल का साइज देखने के लिए, फाइल और डायरेक्टरी का साइज देखने के लिए। जैसे कि अगर आप यहां पर du टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो आपकी मशीन के अंदर जितनी भी फाइलें हैं जिस भी लोकेशन पर है उसका साइज आपको KB, MB, GB, TB के अकॉर्डिंग शो नहीं करेगा, ये जस्ट बिट्स में आपको शो करता है। आप यहां पर देख सकते हैं, सॉरी बिट्स में नहीं, KB में शो करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी आपकी मशीन के अंदर फाइलें हैं वो उनका साइज आपको KB में शो कर रहा है। ये है फाइल ने फाइल का पाथ और उस सॉरी ये है फाइल का पाथ और इस फाइल का साइज क्या है, यहां पर सभी फाइल्स का साइज आपको KB में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने हिडन फाइल क्रिएट रिमूव की थी विशेष नाम से उसका साइज जो है वो 0 KB है। इसी तरह अगर आप साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं, यानी कि जिस फाइल का साइज KB में है वो KB में शो हो, जिस फाइल का साइज MB में है वो MB में शो हो, जिस फाइल का साइज GB में है वो GB में शो हो, तो आप यहाँ पर du स्पेस हाइफन h करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जिस फाइल का साइज KB में है उसके सामने साइज के साथ में कैपिटल K शो कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिस फाइल का साइज GB में है वो GB में शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप एक पर्टिकुलर फाइल का साइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए du स्पेस हाइफन h स्पेस फाइल का पाथ आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि passwd नाम की जो फाइल है उसका साइज 4 KB आपको शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो du कमांड जो है वो हम लोग स्पेशली यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का साइज चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है df कमांड। दोस्तों, df कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पार्टीशंस का साइज देखने के लिए, यूटिलाइजेशन देखने के लिए, और वो पार्टीशन किस डायरेक्टरी के साथ में माउंट है ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए। जैसे कि दोस्तों, अगर आप यहां पर df कमांड यूज करते हैं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और एंटर की प्रेस करने के बाद आपको यहां पर आपका आउटपुट शो हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि देव रूट पार्टीशन के अंदर, देव डायरेक्टरी के अंदर SDA2 के नाम से जो पार्टीशन है उसका साइज आपको यहां पर KB में शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और टोटल साइज में से कितना साइज यूज हो रहा है, फ्री कितना अवेलेबल है, यूज्ड इन परसेंटेज, और ये पार्टीशन किस डायरेक्टरी के साथ माउंट किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह सभी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं।
दोस्तों यही साइज अगर आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं, यानी कि जिस भी पार्टीशन का साइज जीबी में है वो जीबी में शो करे, जिस पार्टीशन का साइज एमबी में है वो एमबी में शो करे, तो df स्पेस हाइफन h कमांड यूज करेंगे। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे कि SDA2 पार्टीशन जो है उसका साइज है 9.8 GB, यूज हो रहा है 2.9 GB, अवेलेबल है 6.9 GB, और ये आप देख सकते हैं सभी पार्टीशंस का साइज दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैपिटल टी भी यूज कर लेते हैं, df स्पेस हाइफन कैपिटल TH, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी शो करेगा कि ये जो पार्टीशन है ये किस फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट किया गया है और इसका साइज की इंफॉर्मेशन भी आपको शो करेगा। यानी कि कैपिटल टी यूज करने से हमें हमारे पार्टीशन का फाइल सिस्टम भी आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है RM, RMDIR, DU एंड DF। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चार कमांड्स ये डिस्कस की है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे।